अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो यूपी लक्ष्मीपुर खेरी का फार्म प्रोटेस्ट का वीडियो है और ये वीडियो अब तक का सबसे क्लियर वीडियो है और ये वीडियो यूट्यूब के पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है और इस वीडियो में इतना ज़्यादा वायलेंस है कि मैं आपको इसे क्लियर दिखा भी नहीं पाऊंगा। पर इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करके लौट रहे हैं और तीन गाड़ियाँ आती हैं और उन्हें रौंद कर चले जाते हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि फार्मर्स की तरफ पहला वार नहीं किया गया है और इस पूरे इंसिडेंट को आप फ्रांस में हुआ एक टेरर अटैक के साथ तुलना कर सकते हो। वहां पर एक टेररिस्ट ने ट्रक को क्राउड के ऊपर से चढ़ा दिया था और यह घटना पूरी तरीके से उससे सिमिलर दिख रहा है और यह इंसिडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि यह इंसिडेंट पूरा होते होते वहां पर 8 लोगों की जान चली जाती है। पर इस बारे में हमारा नेशनल मीडिया एक सही सा डिबेट तक नहीं करता, हमारा गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री या फिर ओपोजिशन से सही से विरोध तक नहीं किया जाता। क्या उन 8 लोगों की जान यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स ही लोगों को चाहिए या फिर नेशनल मीडिया को? यहां पर भी कोई हिंदू मुस्लिम दिखा नहीं, यहां पर भी कोई देश की टॉपिक दिखा नहीं, पर हम इसके बारे में बात करेंगे। यूपी के लक्ष्मीपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक सभा को अटेंड करने आ रहे थे और इसका विरोध करने के लिए फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट निकाले। उनका जो मेन मकसद था वो वहां पर हेलीपैड को घिराव करना चाहते थे और हेलीकॉप्टर को लैंडिंग से रोकना चाहते थे और वो यहां पर भी सक्सेस होते हैं। और सक्सेस होने के बाद जब प्रोटेस्टर लौटने लगते हैं तो 3 गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ जाती है जिस वजह से मौके पर ही एक फार्मर की मौत हो जाती है और जिसके बाद प्रोटेस्टर्स में से कुछ लोग रिएक्ट करते हैं और वहां पर इतना ज्यादा भयावहता बढ़ जाता है कि प्रोटेस्टर्स में से कुछ लोग गाड़ियों से 4 लोगों को निकालकर उनको मरने तक मारते हैं और जिनमें से एक इंसान ड्राइवर भी था। और यहां पर 4 प्रोटेस्टर्स के साथ पूरे टोटल 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात यह है कि यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा ने पिछले ही महीने फार्मर्स के ऊपर एक भड़काऊ भाषण भी दिया था। उनका कहना यह था कि उन्हें 2 मिनट दिया जाए, 10-12 लोगों के साथ वो इस पूरे फार्म प्रोटेस्ट को ही बंद कर देंगे। और उनका यह कहना था कि वहां पर फार्मर्स नहीं बैठे हैं, वो प्रोटेस्ट पूरी तरीके से हमारे देश को इंसल्ट करने के लिए एक साजिश रचा जा रहा है और उनका भी वहां पर फार्मर्स ने विरोध किया था। पर यहां पर जो भी घटना हुए दोनों तरफ से हुए, पहला कौन था वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, पर जो भी हुआ दोनों तरफ से हुआ वो निंदनीय था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दोषी को सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पर यहां सवाल उठता है नेशनल मीडिया का, यहां सवाल उठता है हमारे शासक का, हमारे ओपोजिशन का। कोई भी इस बारे में सही से बात नहीं कर रहा है, कोई भी सत्ता से सही जवाब मांग नहीं रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को अंदर आना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा लज्जा की बात है हमारे देश में कि इतना बड़ा शासक दल है पर सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में ये जनहित याचिका लेना पड़ रहा है। यही हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा इंसल्ट है। और इस पूरे घटना में जो मीडिया का वर्ताव रहा वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था और बहुत ही ज़्यादा नीच था। पूरा मीडिया तो अब शाहरुख खान के बेटे के पीछे लग गया है और जब भी फार्मर्स की बारी आती है तो उनका कैरेक्टर एसासिनेशन किया जाता है, जैसे कि उन्हें एक टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। और इस केस में भी वही हुआ, ना कोई डिबेट हुआ, ना कोई 9 से 10 बजे की प्राइम टाइम हुई। और जब इनके बारे में मीडिया में डिस्कशन किया गया, बस उनके फार्मर के कैरेक्टर को ही एसासिनेशन किया गया। इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने की कोई भी कोशिश नहीं किया गया। अरे ये देश की बात थोड़ी है, ये तो फार्मर्स की बात है और इनके हिसाब से तो वो फार्मर्स नहीं है, वो इस देश के आतंकवादी है। और इस पूरे इंसिडेंट में हिंदू मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तान वाली बात नहीं है, चाइना वाली कोई बात नहीं है, बॉलीवुड नहीं है, ड्रग नहीं है, तो ये क्या टीआरपी के लायक भी है? ये तो नेशनल मीडिया के लिए एक डिबेट के टॉपिक के लायक भी नहीं है।
पर हमें इस बारे में बात करनी होगी और इसीलिए इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि लोग जागरूक बने, फैक्ट्स को जानें और सत्ता से और इस देश के नेशनल मीडिया से एक पॉजिटिव सवाल पूछें, क्योंकि बिना जाने अंधों की तरह किसी एक तरफ को सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर इस पूरे घटना को आप सही से देखें और न्यूट्रली सोचें तो यहाँ पर ज़्यादातर तीन केसेस सामने आते हैं। ये दोनों तरफ से जो भी हुआ वो पूरी तरीके से गलत था, पर किसने रिएक्शन में गलती किया और किसने इस गलती की शुरुआत किया उसका तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। अगर हम पहला फैक्ट को देखें तो वो फार्मर्स की तरफ से आता है। फार्मर्स जो वहाँ पर मौजूद थे उनका दावा ये है कि जो पहला गाड़ी है वहाँ पर अजय मिश्रा के बेटे मौजूद थे और उन्होंने ही जानबूझकर प्रोटेस्टर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। और इसके रिप्लाई में अजय मिश्रा ये बोलते हैं कि उनका बेटा उस पूरे दिन में मौजूद ही नहीं था, वो किसी और ही इवेंट में मौजूद था जिसका भी वीडियो फुटेज अजय मिश्रा के पास मौजूद है। कुछ फार्मर ये भी दावा करते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर का बेटा है वो पहले गाड़ी से उतर कर एक फार्मर को बंदूक से मार देते हैं और जिसके बाद वो भागने के लिए गाड़ी इतनी तेजी से चलाते हैं कि वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर चढ़ जाता है। और ये जो दोनों दावे हैं उसे अजय मिश्रा पूरी तरीके से नकार देते हैं। उनका पहला यह कहना है कि उनका बेटा वहां पर तो मौजूद नहीं था और फार्मर्स ने अपने लाठी से, तलवार से, पत्थर से उस तीन गाड़ियों के ऊपर पहले अटैक किया, जिस वजह से वो गाड़ियां अनकंट्रोल हो गई और वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर चढ़ गई। अगर अजय मिश्रा की दावे की सच्चाई आप जानना चाहेंगे तो सोशल मीडिया पर उस दिन की इतनी सारी वीडियो वायरल है जिनमें से आप सच्चाई पता लगा सकते हो। मैंने जो वीडियो दिखाया आपको पहले उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं जो ग्रुप है फार्मर का वो साइलेंटली जा रहा है, ना ही कोई नारेबाजी किया जा रहा है, ना ही कोई हमला गाड़ियों के ऊपर। पर यहाँ पर आप बोल सकते हो जो ग्रुप उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो शायद हमला नहीं कर रहे होंगे, उनके पीछे वाले जो ग्रुप है वो हमला कर रहे हैं। पर अगर यहाँ पर आप साफ तौर पर उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो ये आपको साफ पता चल जाएगा कि उनके पीछे वाले जो ग्रुप है वो भी वहाँ पर हमला नहीं कर रहे हैं। क्यों? अगर पीछे वाले हमला कर रहे होते तो उसका रिएक्शन पहले वाले ग्रुप के ऊपर भी दिखता, ना ही वहां पर कोई नारेबाजी आपको दिखती है, ना ही कोई हमला। और मैंने अभी तक जो फैक्ट्स बताए वो पूरी तरीके से गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हम और आप घर बैठ के कुछ वीडियोज को देख के, कुछ इंसिडेंट को, कुछ आर्टिकल्स को पढ़ के पूरा सच पता नहीं लगा सकते और इस चीज से भी नकारा नहीं जा सकता। वहां पर 8 लोगों की जान चली गई है, वो चाहे फार्मर हो या फिर कोई बीजेपी के वर्कर है, जान तो जान होती है और उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझना होगा। और जिस वजह से 2 वकीलों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखा और जिस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका मानकर स्टेट को एक नोटिस जारी किया और उसके बाद स्टेट पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर और उनके बेटे की गिरफ्तारी के लिए समन भेजा। और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को ये कहा कि अगर कोई आम इंसान मर्डर का एक्यूज होता क्या उसे भी समन भेजा जाता? क्या ये पूरा जो कानून है आम इंसान के लिए है, मंत्रियों के लिए नहीं है? और यहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो तो पूरी तरीके से चुप है। और अब भी कुछ लोग बचे होंगे जो इतने सारे फैक्ट्स को सुनने के बाद भी बोल रहे होंगे कि वो फार्मर्स नहीं है, आतंकवादी हैं। उन लोगों को तो बस एक ही जवाब में देना चाहूँगा, योगी सरकार ने उन 4 फार्मर्स जिनकी मौत उस प्रोटेस्ट में हुआ है उनको कंपेंसेशन देने की घोषणा किया है। और योगी सरकार तो इतना भी बुरा नहीं होगी कि वो हमारे देश की आतंकवादियों को कंपेंसेशन देगी। पर यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या ये देश की टॉपिक नहीं है? क्यों कि हमारा जो नेशनल मीडिया है वो इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। और क्यों कर रहा है? इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम करने में, इंडिया पाकिस्तान करने में बिजी रहता है, वो कभी देश की टॉपिक उठाता ही नहीं है। स्टूडेंट की टॉपिक, पेट्रोल डीजल और प्राइस हाइक की टॉपिक तो वो कभी उठाता ही नहीं है। बेरोजगारी से लेकर मेडिकल तक की हर चीज की प्रॉब्लम इंडिया में है, पर उसके बारे में वो कभी सत्ता से सवाल तक नहीं पूछता, क्योंकि उसमें
उसको टीआरपी दिखाई नहीं दे रहा है। और आजकल तो मीडिया को ड्रग्स की टॉपिक मिल रही है। सुशांत सिंह के केस में मीडिया कितने नीचे गिर गई थी ये तो आप सबको पता है। और अब शाहरुख खान की बेटे की बारी। और इस पूरे केस में वो जितना टीआरपी कमा रहा है उसे देश तो दिख ही नहीं रहा है। और वैसा भी नहीं है कि मीडिया हमारे देश को ड्रग्स से बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर वैसा होता तो पिछले दिनों ही गुजरात के पोर्ट में मिला 20,000 करोड़ से ज्यादा ड्रग का कार्टेल के बारे में वो 2400 घंटे चलाता, सत्ता से सवाल पूछा जाता। पर वैसा भी नहीं है, मीडिया सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन में लगा पड़ा है, उसे देश की कोई पड़ी नहीं है। पर हमें सवाल पूछनी पड़ेगी मीडिया से भी और सत्ता से भी, क्योंकि ये देश हमारा है। और बस यही था आज का ये टॉपिक। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और मैंने जो सवाल पूछे उसके बारे में आप क्या उत्तर देते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। और इसके बारे में कोई भी न्यूट्रली बात नहीं कर रहा है, और इसीलिए इस वीडियो को आपको हर जगह पर शेयर करना होगा ताकि लोग जागरूक बने, न्यूट्रल तरीके से सच्चाई को जाने, किसी भी गलत का साथ ना दे और किसी बहका में भी ना आए। और इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी आपको सेंस दिखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर क्लिक करें, और ऐसे ही और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए यहां पर।